अंबेडकर वादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। भारत में कोरोना की शुरुआत के बाद लगे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा को अवसर बनाने की बात कही थी। उनकी कही इस बात पर भ्रष्टाचारियों ने 100% यकीन कर लिया है। कोरोना के नाम पर ऐसी लूट मची है कि बिल किसी और के नाम पर फाड़ा जा रहा है और मजे कोई और कर रहा है। सैनिटाइजर का घोटाला, मास्क का घोटाला और अब एक नया घोटाला सामने आया है, दंत मंजन और टूथपेस्ट का घोटाला। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर इस खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, यूपी में कोरोना मरीजों के नाम पर खरीदे गए टूथपेस्ट का घोटाला, कहीं पीपीई किट का घोटाला तो कहीं वेंटिलेटर का घोटाला। कोरोना के इस दौर में बीजेपी गजब है। हमने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये खबर हिंदुस्तान अखबार के बरेली एडिशन में छपी है, जिसमें पीयूष उपाध्याय नाम के रिपोर्टर ने कोरोना के नाम पर बड़े घोटाले की ओर इशारा किया है। ये खबर दिखाती है कि कैसे मरीजों के लिए मास्क, गाउन, सैनिटाइजर और यहाँ तक कि टूथपेस्ट तक पर भ्रष्टाचारियों की नजर है। पीयूष उपाध्याय की रिपोर्ट में लिखा है, COVID-19 मरीजों के लिए जो टूथपेस्ट और टूथब्रश खरीदे गए थे वो मरीजों को मिले ही नहीं। हजारों की कीमत के टूथपेस्ट किसके दांतों पर घिस गए पता ही नहीं चला। यही नहीं, बरेली प्रशासन के लोग तो कोरोना वार्ड में मच्छर भगाने के लिए जो लिक्विड लाए थे वो भी गायब कर गए। भ्रष्टाचारियों का हाजमा तो इतना मजबूत है कि मच्छर मारने का लिक्विड भी पचा गए। रिपोर्ट के मुताबिक मास्क खरीदारी में भी दिल खोल कर बंदरबांट हुई। नियमों को तोड़ मरोड़ कर मास्क की खरीदारी की गई और एक ही दिन में 25,000 के कई ऑर्डर दे दिए गए। जिला जेल से कपड़े वाला सस्ता मास्क ना खरीद कर अपनी चहेती फर्म को ऑर्डर दिए गए, जिसमें कमीशन खोरी का भी शक है। अब भला कोई यूं ही तो किसी पर मेहरबान नहीं होता। भ्रष्टाचार के दाग इतने पक्के हैं कि हैंड वॉश से भी नहीं धुलने वाले। बरेली प्रशासन ने जो हैंड वॉश खरीदे वो भी जाने किस अफसर के घरवालों के हाथों के कीटाणु मार रहे हैं, क्योंकि बेचारे मरीजों के हाथ तो नीली साबुन की टिक्किया भी ना लगी। यही नहीं, 2 लाख से ज्यादा रुपए देकर जो 500 गाउन मरीजों के लिए खरीदे गए उन्हें भी जाने कौन पहनकर घूम रहा है। अरे भाई, गाउन ही तो थे, कौन सा गोटेदार लहंगे थे कि बुआ जी की शादी में पहनकर चले जाओगे। कोरोना से राहत के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। अब राहत का ये पैसा कहां पहुंच रहा है ये तो सरकारी एजेंसियां ही जाने, लेकिन कोरोना से बचाव के नाम पर हो रही खरीदारियों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं। गुजरात में वेंटिलेटर की खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप लग चुका है। RTI और किसी भी जांच से बाहर PM केयर फंड से हुई खरीदारी पर कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुकी है। गुजरात से ही विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी कोरोना काल में मनरेगा के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने भी सूबे में कोरोना टेस्ट के नाम पर घपलेबाजी का आरोप लगाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BJP शासित कर्नाटक में करीब 200 करोड़ के बेड घोटाले का भी अंदेशा है। एक व्यक्ति की आपदा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अवसर है और शायद इसी फॉर्मूले पर फिलहाल काम किया जा रहा है। एक तरफ जहां लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ सफेद पोश नेता और अफसर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। साथ ही आप हमें Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।